आपका स्वागत है। देखिए किस तरह से भारत के सबसे बड़े पर्व दीपावली पर आप कोशिश ये करें कि इस त्यौहार को मिलजुल कर सद्भाव से बनाएं। इसके साथ साथ हमारी इस वीडियो को बनाने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मिठाइयाँ बाहर बाजार में मिठाइयाँ जिसमें बहुत सारा अडल्ट्रेशन होता है, फूड कलर्स होते हैं जो कि हमारी सेहत के साथ साथ साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, उससे बचने के लिए आप अपने घर पर ही मिठाइयाँ बनाएं जैसी आपको आती है। देखिए कि परिवार किस तरह से, पहले आप इधर देख सकते हैं कि लड्डू की तैयारी है, बेसन घोला जा रहा है, इस तरफ लेफ्ट की साइड आप देख सकते हैं, एक तरफ चाशनी के अंदर बूंदियां जो है डुबोई जा रही हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये कैसे बूंदियों को तला जा रहा है। जिससे आपका जैसा आपका सामर्थ्य है वैसे ही आप अपने घर पर ही मिठाइयां बनाइए ताकि आपकी, आपके परिवार की और आपके दोस्तों की सेहत पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे और असली मजा त्यौहार का आए। त्यौहार की खास बात एक और ये होती है कि हम सब मिलजुल कर बनाएं, थोड़ा खाएं लेकिन अच्छा और क्वालिटी का खाएं। इसकी दूसरा पहलू ये है, जब आप एक साथ बनाते हैं तो आपके परिवार के अंदर इंटरपर्सनल रिलेशंस और दोस्ती और रिश्ते और प्रगाढ़ होते हैं। भावनात्मक रूप से अगर बच्चों को आप अपने इस काम में जोड़ते हैं तो उनको भी ये महसूस होता है कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है, उनको आप जिम्मेदारी देते हैं तो बच्चों के अंदर भी इस भावना का विकास होता है कि ये मेरा परिवार है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस भावना के साथ साथ बच्चों के अंदर एक काम करने की प्रवृत्ति, अपने माता पिता को मदद करने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न होती है। आगे देखिए किस तरह से बूंदी को निकाल कर हम उसमें डालते हैं। बूंदी बनाइए, मिठाई बनाइए और मिठाई को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। ये बहुत ही स्वस्थ स्वादिष्ट मिठाई बनेगी। दोस्तों ये हमारी छोटी सी कोशिश ताकि आप बाजार से कम खरीदें और जितना कोशिश हो सके घर पर ही मिठाई बनाएं। जब ये बनेगी पूर्ण रूप से हम आपको इसका स्वाद भी चखेंगे, स्वाद भी करवाएंगे और हम भी चखेंगे। चलो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आप ये स्वीट मिठाइयां बनाते वक्त हरियाणा की पारंपरिक चाय जिसमें दूध और चीनी थोड़ी ज्यादा होती है, पत्ती काफी कम होती है, उसका भी स्टील के कप में या गिलास में आनंद ले सकते। देखिए इसके साथ साथ अगर आप बच्चों को, अपने परिवार को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, इसमें एक सबसे बड़ा फायदा आपको यह होगा कि बच्चे
कुछ समय के लिए टीवी और मोबाइल से अपने आप दूर हो जाएंगे और वो एक जिम्मेदारी समझेंगे। त्योहार के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा, अपनी संस्कृति के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा, भारतीय परंपराओं के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। जो आजकल देखने में आ रहा है कि युवा, आज के खास करके युवा, हमारी संस्कृति को छोड़कर किसी और संस्कृति को अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका एक बड़ा फायदा। चलिए मैं एक सीप और ले लेता हूं, हरियाणा की पारंपरिक चाय की। बूंदिया बन के तल के चाशनी में डाल दी गई थी, हिला दिया गया था, उनको अच्छे से मिक्स कर दिया गया। मिक्स करने के बाद जब वो थोड़ी थोड़ी गर्म है तो उनको किस तरह से आप देखिए कि गोल गोल ऐसे मिक्स करें। इससे पहले ध्यान रखें कि जो मिक्स करने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धो लें। इसको मिक्स करने के बाद अभी थोड़ा गर्म है और शानदार टेस्टी आप रसीले लड्डू इसे बना सकते हैं। ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट और स्वस्थ है, हेल्थ का ध्यान है इसमें, परिवार भी आपका इन्वॉल्व है, आपका स्वच्छता भी इसमें इन्वॉल्व है, किसी प्रकार का आप बड़े शांति से खा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको ये कंफर्म है, आप साइकोलॉजिकल रूप से ये संतुष्ट हैं कि इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। अपने सामने दाल पिसवाई गई, हाँ मार्केट से चीनी जरूर खरीदी गई, गाय का देसी घी जिसके अंदर उस बेसन को मिक्स करके तला गया, बूंदी से बूंदी बनाई गई। उस बूंदी के बाद देखिए उसको चाशनी में डुबोया गया और चाशनी में डुबोते वक्त, डुबोने से पहले जब हमने चाशनी बनाई थी उसमें हमने थोड़ी सी चुटकी हल्दी डाल दी, वो भी साबुत हल्दी डाल ला के पीसी गई थी, पीसी पिसाई नहीं डाल दी हमने। उसके साथ साथ फिर हमने इसमें छोटी इलायची भी पीसी डाली थी, थोड़ी सी इसके अंदर खुशबू भी आ जाए। तो ये सारी चीजें आपको बताने का मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं आता है, आप कोई प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन परिवार के अंदर अगर हम इस टाइप से मिठाइयां स्वयं घर पर बनाते हैं तो केवल मिठाइयों का ही मतलब नहीं है, यहाँ पर परिवार का सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है, साफ सफाई रहती है, त्योहार का आनंद आता है और खास करके स्वच्छता और स्वस्थ मिठाई तैयार होती है जो आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है। तो इसके साथ ही आप सभी को दिवाली की मुबारकबाद। मीठे मीठे लड्डू हैं, टेस्टी हैं, आशा है कि आपके पास इसकी खुशबू और स्वाद पहुंच रहा होगा। मेरे तो बनाते वक्त मुंह में पानी आ रहा है कि एक दो मैं खा लूं, लेकिन इससे पहले इसको जल्दी से हम तैयार करते हैं क्योंकि ये मिश्रण ठंडा ना हो जाए। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।